हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है श्री अमृताज किचन में। आज हमने बनाया है भरवा पनीर कोफ्ते। ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। भरवा पनीर कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 टमाटर का प्यूरी तैयार कर लिया है और 3 प्याज को फ्राई कर लिया है। फ्राई किए हुए प्याज को पीस लेंगे, उसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे साबुत मसालों में मिर्च, जीरा, जावित्री, लौंग, 2 काली इलायची, हरी इलायची और तेज़पत्ता लिया है। तो खड़े मसालों का हम दरदरा कूट लेते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर ग्रेवी में अच्छी तरह से आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए हैं उबले हुए, जिसे कद्दूकस कर लिया है। साथ में 3/4 कप व्हाइट ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। इसे ब्रेड को पीस के तैयार किया है घर पे ही। 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड कर लेते हैं। काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर और कद्दूकस किया हुआ अदरक। साथ में 3 हरा मिर्च छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 20 ग्राम पनीर लिया है, उसे कद्दूकस करके यूज करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, आलू का डो तैयार हो गया है। अब भरावन के लिए 100 ग्राम पनीर लिया है कद्दूकस करके, और इसमें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू ऐड करेंगे। छोटे टुकड़ों में ही कटा हुआ पिस्ता ऐड कर लेते हैं, साथ में नारियल का बुरादा ऐड कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे सैफ्रॉन लिया है दूध में भिगो के, ये ऑप्शनल है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अभी हल्का सा पीलापन आ गया है पनीर में, तो थोड़ा सा पीला और करने के लिए मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड किया है। ज़रूरी नहीं है, आप अगर पसंद हो कोई सा कलर यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, या आप बिना कलर के भी बना सकते हैं। तो अब हम कोफ्ते तैयार करेंगे। तो बड़ा सा डो ले लेते हैं आलू का। उससे पहले हाथों पे थोड़ा सा घी या तेल लगा दें, जिससे कि ये हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो कटोरी शेप देना है कुछ इस तरीके से। तो बीच से हमने अच्छे से होल कर लिया है, कटोरी शेप दे दिया है। और अब पनीर के छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। तो पनीर का बॉल्स भी हमने बना लिया है, और इसे बीच में अच्छे से फिल करके और कवर करना है बॉल को। बॉल बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए पनीर के। तो अच्छे से हमने पनीर को कवर कर दिया है, और इसे हल्के हाथों से रोल कर लेते हैं। तो हमने चिकना कर दिया एकदम बॉल को, और अब इसे अरारोट या कॉर्नफ्लोर में डीप कर लेंगे, या आप मैदा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। तो कुछ इस तरीके से ही सारे कोफ्ते तैयार करने हैं। दूसरा कोफ्ता भी देखिए मैंने तैयार किया है इसी तरीके से। तो मैंने 6 कोफ्ते इसमें तैयार किए हैं। तो कोफ्ते तैयार हो गए, अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक कोफ्तों को तल लेंगे। दोनों साइड पलट कर तल लेते हैं। देखिए अच्छा सा कलर आ गया है कोफ्ते में। अब इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह सारे कोफ्तों को तल लेते हैं। तो सारे कोफ्तों को हमने तल लिया है। देखिए कितना सॉफ्ट कोफ्ता बना है, और इसे कट करके दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है और येलो कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बचे हुए तेल में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे,
और खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले भून गए हैं, अब इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, टमाटर ऑयल छोड़ न दे। तो टमाटर को हमने अच्छे से पका लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। मसालों को मिला लेते हैं और साथ में ही एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। तो मसालों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। और कलर के लिए एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेंगे। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है क्योंकि मसाले सूखे हैं, जल जाएंगे। अब ऐड कर लेते हैं प्याज का पेस्ट जो हमने फ्राई किया था, और इसे भी बहुत देर तक नहीं भूनना है, केवल 1 मिनट ही भूनना है क्योंकि प्याज ऑलरेडी फ्राई हो चुका है पहले से ही। तो अब ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक और साथ में ही 1 बड़ा चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने पनीर, थोड़ा सा पनीर लिया है, उसे कद्दूकश कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा पनीर नहीं ऐड करना है, केवल 10 ग्राम पनीर लिया है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 15 काजू, 25 ग्राम पनीर और 3 चम्मच दही का पेस्ट तैयार कर लिया है। तीनों को एक साथ मिलाकर पेस्ट तैयार किया है, तो इसे भी ऐड कर लेंगे। और साथ में ही 2 चम्मच पानी भी ऐड कर लेंगे। और अब इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है ग्रेवी में। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में ये ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, 3-4 मिनट हमने इसको पकाया था और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ग्रेवी से। तो अब ऐड करेंगे 1/3 कप पानी। पानी आप आधा कप या 1 कप या 3/4 कप ही डालें इस ग्रेवी में। और अब इसे पका लेंगे। तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी है, थिक ग्रेवी है। और अब इसे ढककर पकाना है, लो फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। 4 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जब खाना हो तब इसे कोफ्ते के ऊपर डाल के आप खाइए, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कोफ्ते लिए हैं और इसके ऊपर ग्रेवी डाली है क्योंकि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट हैं। और आप देख सकते हैं कितना टैम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।